शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे NAS से संबंधित प्रश्न बैंक। आपको पता है कि नवंबर माह में हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अंतर्गत एक एग्जाम होना है, जिसके अंदर हमें कुछ प्रश्न दिए होंगे और उन प्रश्नों के हर एक के चार उत्तर होंगे। उन चार उत्तर में से एक उत्तर पर सही निशान लगाकर OMR शीट पे हमें फिल करना है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनको किस प्रकार हमें टिक करना है और किस प्रकार फिर OMR शीट फिल करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न बैंक। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 11 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12 से। निम्न में से किसका परिमाप सबसे कम है? तो देखिए, हमें यहाँ पर चार त्रिभुज की आकृतियाँ दी हुई है, उनमें से किसका परिमाप सबसे कम है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। कोई भी आकृति है, उसकी सभी बाहरी भुजाओं का जोड़ होता है, वो परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के बाहरी तीन भुजाएँ हैं, इन तीनों भुजाओं का जो हमें मापती है उनको हमें जोड़ करना है। इस प्रकार हम देखेंगे कि किसका जोड़ सबसे अधिक है, उसी का सबसे बड़ा परिमाप होगा। तो पहली आकृति है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर दी हुई है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 15। दूसरी आकृति, इसकी ये भुजा तीन है, ये पाँच और ये चार, तो पाँच और तीन आठ और चार 12, तो इसका परिमाप कितना होगा? 12। इसकी भुजा एक और तीन चार और दो छः, तो इस त्रिभुज का परिमाप है 6, 4 और 4 8 और 3 11, इस आकृति का परिमाप है 11। तो किस आकृति का परिमाप सबसे कम है? तो कम देखिए यहाँ पर किसका है? आकृति 3, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 ये। तो हम OMR शीट पे प्रश्न नंबर 12 में जाएंगे, उसके सामने जो हमारे चार गोले होंगे, उस गोले में जो हमारा उत्तर सही है उसको हम फिल करेंगे। तो इसमें प्रश्न जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही है, तो तीसरा जो गोला है वो हम पेंसिल से काला कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, आयत है वो इस प्रकार की आकृति होती है, आपको पहले भी बताया है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो आयत कहलाती है। इसका परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का जो जोड़ है वो कितना दिया है? वो 20 सेंटीमीटर दिया है, जिसकी चौड़ाई 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है। हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? 20 माइनस, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 और 4 8, तो इसकी जो दोनों लंबाई है उनका जोड़ कितना आ गया? उनका जोड़ आया 12। अब इसको हम 2 से भाग कर देंगे या फिर 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इस आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 6 सेंटीमीटर। OMR शीट में प्रश्न नंबर 13 में जाएंगे, उसके सामने चार गोले होंगे, उन चार गोलों में से जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, तो दूसरा जो खाना है उसको हम पेंसिल से फिल कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप होगा। तो इसमें भी हम एक बार आयत बनाते हैं, और जैसा हमें बताया गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, और चौड़ाई कितनी है? 5। तो चौड़ाई हमारी 5 है और लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगनी, मतलब चौड़ाई हमारी 5 है तो इससे दुगनी क्या होगी? 10। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 का 2 गुना यानी 5 दूनी 10, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम, 10 और 5 15,
15 और 10 25, 25 और 5 30 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन एक। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की ओमर शीट फिल की थी, उसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 में जो पहला गोला होगा उसको हमें पेंसिल से ब्लैक करना है। प्रश्न नंबर 15, वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की भुजा होगी। तो आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और इन चारों भुजाओं का जोड़ कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर। कितना है? 64 सेंटीमीटर। तो उसकी भुजा निकालनी है। तो वर्ग की भुजा हम कैसे निकालते हैं? जो परिमाप है, परिमाप को हम 4 से भाग कर देंगे। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16। 64 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा उत्तर? 16। तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16, आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। अब देखिए यहां पर हमें दो चीज दी है, एक आयत दी है और एक वर्ग दिया है, और इन दोनों का परिमाप क्या है? दोनों का परिमाप बराबर है। यहां पर आयत की लंबाई हमें 6 और चौड़ाई 4 दी है। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप निकालेंगे। तो अब देखिए आयत का परिमाप कितना है? इन चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। तो आयत का जो परिमाप है वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप है उसको हम अंदर लिखते हैं कि 20 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो जो आयत का परिमाप है वही हमारा क्या होगा? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 15 में ज्ञात किया था कि वर्ग का अगर परिमाप दिया हो तो भुजा कैसे निकालते हैं, उसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप है वो हमारा है 20, इसको हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने आयत का परिमाप निकाला, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है तो वर्ग का परिमाप भी क्या होगा? 20, और 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 17, आयत का परिमाप का सूत्र है। तो आयत का परिमाप जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका एक सूत्र भी होता है, वो क्या है? वैसे हम क्या करते हैं कि चारों भुजाओं का जोड़, परंतु इसका सूत्र क्या होगा? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हम उसको 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटा दिया हुआ है, ये दोनों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दिया है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ। तो हमारा जो उत्तर है सवाल नंबर 17 का वो क्या है? ऑप्शन 3। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। प्रश्न नंबर 18, 8 का परम मित्र अंक है। 8 का परम मित्र अंक, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2। तो 8 का परम मित्र अंक क्या हुआ? ऑप्शन 1, 2। क्वेश्चन नंबर 19, किस संख्या का परम मित्र अंक उसी संख्या के समान होता है? किस संख्या का परम मित्र अंक उसी संख्या के समान होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन एक। प्रश्न नंबर 20, 7 का एकाधिक करने पर प्राप्त संख्या होगी।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, एकाधिक, इसका मतलब क्या है, एक अधिक, सात को एक अधिक करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ऑप्शन एक आठ, सात का एक अधिक क्या होगा, पर ऑप्शन एक आठ। किसका एक न्यून छः होगा, किसका एक न्यून, न्यून का मतलब होता है कम, तो छः होगा, किसका एक न्यून, एक न्यून का मतलब एक कम, छः होगा, तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, सात, क्योंकि सात में से एक न्यून यानी कि एक कम करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, छः। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी या ऑप्शन दो, सात। तो बच्चों आज हमने प्रश्न नंबर 11 से 21 तक कुल 11 सवाल किए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।